Hello everyone, my name is Anuradha Chaudhary and I'll be teaching you about polity course today. So I'll be initiating with these some basic steps which we'll need to study for polity syllabus. So these are as follows. What we need to study in polity, first of all. The thing is, हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि पॉलिटी में है क्या क्या चीज़ें. तो उसके लिए हमें एक बार हम सिलेबस से गो थ्रू हो जाते हैं और फिर समझते हैं. तो इसमें सबसे पहले हमें पॉलिटी का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन. कॉन्स्टिट्यूशन से एक पॉलिटी ये वर्ड ओरिजिनेट हुआ है. अदरवाइज हमें बेसिक्स चीज़ें कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़नी पड़ेंगी. और पॉलिटी ये वर्ड इसलिए आया क्योंकि हम इसमें करंट इवेंट्स भी पढ़ लेते हैं. तो एज ए होल इसको फिर पॉलिटी बोला गया. तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे पहले है हमें पढ़ना है प्रीएम्बल के बारे में. उसके फीचर्स क्या क्या है. जैसे प्रीएम्बल एक बेसिक चीज़ है, हमें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का नेचर कैसा है, ऑब्जेक्टिव कैसा है. ये फीचर्स है प्रीएम्बल के, तो ये पढ़ेंगे हम. और कॉन्स्टिट्यूशन में अब तक जितने भी अमेंडमेंट्स हुए वो सारे हमें वो देखने पड़ेंगे. और जैसे कि 42nd अमेंडमेंट, 44th अमेंडमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट्स हैं. स्केड्यूल्स कितने हैं, कितने कितने अमेंडमेंट हुए हैं, जिससे और स्केड्यूल कितने ऐड हुए हैं, पंचायती वाला, म्यूनसिपैलिटी वाला, ये और ऐड हुए हैं स्केड्यूल्स. और बेसिक आइडिया, जितने भी आर्टिकल्स हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के में, कि जितने भी आर्टिकल्स हैं हमें उनका बेसिक आइडिया लेना पड़ेगा. हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, जैसे रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से आया था, फिर एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 से लेकिन एक्ट ऑफ इंडिपेंडेंस एक्ट 1947 तक, हमें उसका वो बेसिक समझना पड़ेगा. तो कई बार वहाँ से भी क्वेश्चंस आते हैं. वो हिस्ट्री के सब्जेक्ट में भी है और कॉन्स्टिट्यूशन के सब्जेक्ट में भी है. फिर ड्राफ्टिंग कमेटी की, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया किन किन लोगों ने है, और मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या क्या स्टेप्स लिए गए थे कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाने के लिए क्या क्या चीज़ें ली गई थी. पार्टली इलेक्टेड, पार्टली नॉमिनेटेड, एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बिठाई गई थी, कैबिनेट मिशन प्लान से वो आई थी. तो ये चीज़ें हम पढ़ेंगे आगे. तो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है बेसिकली लेंथीएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है. तो इसका इन्फ्लुएंस है बहुत सारे कॉन्स्टिट्यूशन से. इसके सेलिंग फीचर्स कौन कौन से हैं हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, और इसके बारे में यूनियन टेरिटरी, यूनियन और उसके अलग अलग टेरिटरीज हैं, बेसिक आइडिया आर्टिकल 1 से 4 के बारे में, स्टेट रीऑर्गनाइजेशन, डिफरेंट कमीशंस. तो स्टेट रीऑर्गनाइजेशन हम जानते हैं, हमारा जब देश आज़ाद हुआ था तो जब कुछ स्टेट्स ऐसे थे जो कि कुछ स्टेप्स लिए गए थे हमारी गवर्नमेंट के द्वारा, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के द्वारा, कि वो जो स्टेट्स हैं वो हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में जुड़ जाएं, प्रिंसली स्टेट्स से सबसे पहले वो. तो उनको कैसे जोड़ा गया, तो उसके लिए कौन कौन सी कमीशन बिठाई गई थी. तो ये सब चीज़ें, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो फेडरल नेचर है या फिर क्वासी फेडरल है या फिर कम्प्लीटली यूनिटरी है, ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी. सिटीजनशिप एक्ट, सिटीजनशिप के बारे में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो आर्टिकल है 5 से 11, ये बेसिक आइडिया देता है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग. कॉन्स्टिट्यूशन ने एक पार्लियामेंट के ऊपर ये छोड़ा था कि आप एक एक्ट बना लो, उसके बाद में सिटीजनशिप के रिगार्डिंग एक डिटेल स्टडी लोगों को बता दो आप. तो उस एक्ट से पता चलता है हम सिटीजनशिप कौन होगा कौन नहीं होगा. आर्टिकल 5 से 11 सिर्फ एक बेसिक आइडिया देता है सिटीजनशिप के रिगार्डिंग. फिर पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, NRI कौन होते हैं, ओवरसीज सिटीजन कौन होते हैं, प्रवासी भारतीय दिवस क्यों सेलिब्रेट किया जाता है, और प्रिविलेजेस क्या है इंडियन सिटीजन्स के लिए, फॉरनर्स के लिए. अभी अमेंडमेंट हुआ था सिटीजनशिप अमेंडमेंट के बारे के में, वो चीज़ें, न्यू पॉलिसी स्कीम, रीसेंट चेंजेस, ये भी हम पढ़ेंगे. अब बात करते हैं फंडामेंटल राइट्स में हम क्या क्या देखेंगे. तो फंडामेंटल राइट्स में बेसिकली इसमें एक तो बेसिक आइडिया होता है, हमें पता है कि 12 से लेकर 35 आर्टिकल्स तक ये कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है जो हर एक सिटीजन्स को अवेलेबल है. लेकिन इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि ये इंडिविजुअल राइट्स भी है, पूरे सिटीजन्स के लिए भी है, और जो फॉरनर्स हैं उनके लिए भी फंडामेंटल राइट्स है. तो ये यूनिक फीचर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का. और दूसरी चीज़ ये है कि जो आर्टिकल 14 से 30 है, इसके अंदर इक्वालिटी भी आती है, इसमें एम्प्लॉयमेंट के रिगार्डिंग भी राइट आते हैं, इसके अंदर अनटचेबिलिटी के रिगार्डिंग भी राइट्स आते हैं, और 25 से 30 डील करते हैं रिलीजियस. तो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन एक बहुत यूनिक स्ट्रक्चर से बनाया गया है, बहुत अच्छे से इसको डिटेल स्टडी करके हमारे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी और अदर जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के मेम्बर्स, उन्होंने बहुत अच्छे से बनाया. तो हमें ये
हम ये डिटेल में स्टडी करेंगे, फंडामेंटल राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 32 है जिसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन रेमेडीज के बारे में बताया गया है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ये भी बोलते हैं आर्टिकल 32 इज द सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि इस आर्टिकल से हम जो सिटीजन्स हैं या फॉरनर्स हैं, इन आर्टिकल अगर फंडामेंटल राइट्स का वॉयलेशन होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं, इनको हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। तो ये दो कोर्ट है जहाँ पे फंडामेंटल राइट्स को हम चैलेंज कर सकते हैं। तो 44th अमेंडमेंट जैसा मैंने बताया कि कुछ अमेंडमेंट्स हैं वो भी पढ़ेंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिट्स हैं आर्टिकल 32 के अंदर, रिट्स बताई हुई हैं बहुत सारी। और इसमें एनफोर्समेंट एक्सेप्शनल केसेस विद रिगार्ड टू फंडामेंटल राइट्स, हाँ ये भी है इसमें। फंडामेंटल राइट्स में क्या होता है कि कुछ एक्सेप्शंस दिए हुए हैं इसमें। ये हमें पता है कि फंडामेंटल राइट्स जो है ये एक तरह से एक लिमिटेशन है हमारे स्टेट के लिए। स्टेट का मतलब है कंट्री, हमारे कंट्री, इसको इंटरनेशनल लॉ में स्टेट बोला जाता है, तो मैं स्टेट बोलूँगी हमारी कंट्री को। तो ये एक तरह से लिमिटेशन प्रोवाइड करवाया गया है स्टेट के ऊपर। तो इन लिमिटेशन को रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन का नाम दिया गया है। तो इस रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन को एक लीगल टर्म ये इस लीगल टर्म में लिमिटेशंस को लीगल टर्म में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन बोला जाता है। ओके, तो राइट टू एजुकेशन, रीसेंट इश्यूज फंडामेंटल, हाँ राइट टू एजुकेशन जो है ये अमेंडमेंट हुआ था राइट टू एजुकेशन के रिगार्डिंग। ये पहले डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में था, फिर इसको अमेंडमेंट करके फंडामेंटल राइट में लाया गया था। और हाँ, फंडामेंटल ड्यूटीज जो है आर्टिकल 51A के अंदर स्टैब्लिश की हुई है, इसके अंदर भी अमेंडमेंट किया हुआ था। और इसके अंदर अमेंडमेंट करके आर्टिकल जो लास्ट वाला जो पार्ट था फंडामेंटल ड्यूटीज के अंदर, वो एडअप किया गया था, एजुकेशन के रिगार्डिंग था वो आर्टिकल। और सबसे बेसिक चीज़ फंडामेंटल ड्यूटीज में ये होती है कि फंडामेंटल ड्यूटीज में सबसे बेसिक चीज़ ये होती है कि इसमें एक सेकेंड, इसमें आर्टिकल 51 में सबसे बेसिक चीज़ ये होगी कि ये फंडामेंटल ड्यूटीज जो है ये एग्जॉस्टिबल नहीं है, इनको हम और एडअप कर सकते हैं विद टाइम, हम इसके अंदर और अमेंडमेंट करके हम इसमें कर सकते हैं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की एक और यूनिक स्ट्रक्चर, यूनिक चीज़ ये है कि इसको हम चेंज अमेंडमेंट लाके इसको चेंज कर सकते हैं। अमेंडमेंट इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये एक पूरी प्रोसेस के द्वारा किया जाता है। आर्टिकल 363 के अंदर अमेंडमेंट होता है, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो अमेंडमेंट होता है उसे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से ये फंडामेंटल ड्यूटीज को हम और एडअप कर सकते हैं। तो ये एग्जॉस्टिबल लिमिट नहीं है, और फंडामेंटल ड्यूटी जो है वो एनफोर्सेबल नहीं है, ये सिर्फ एक मॉरल ड्यूटीज है हम सिटीजन्स के ऊपर। और एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से इम्पॉर्टेंट चीज़ अलग ही इम्पॉर्टेंट चीज़ एक और चीज़ है इसमें कि एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट से है ना, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं इनको एनफोर्सेबल बनाया जा सकता है। ये अदरवाइज एनफोर्सेबल नहीं है, लेकिन हम कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट ला के पार्लियामेंट एक एक्ट पास करेगी जिसकी वजह से फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं वो एनफोर्सेबल हो जाएंगे, अदरवाइज एनफोर्सेबल नहीं है ये। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज भी की बात करें, 36 से 51 आर्टिकल के बीच में है, और ये एनफोर्सेबल नहीं है ये भी। ये सिर्फ एक गाइडिंग टॉर्च की तरह काम करता है स्टेट्स के ऊपर। जैसे फंडामेंटल राइट्स जो हैं और डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के डिफरेंस भी हम इसके अंदर स्टडी करेंगे आगे के क्लासेस में, इसके फीचर्स क्या क्या हैं। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसीज के अंदर जो जितने भी तीन चीज़ों में डिवाइडेड है ये लिबरल, एक तो गांधी जी के जो प्रिंसिपल्स हैं, और एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग क्या है, सोशल प्रिंसिपल्स क्या क्या है। तो ऐसे ये तीन स्ट्रक्चर में डिवाइडेड किया हुआ है। और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसीज में क्या क्या अमेंडमेंट ला के इनको और एडप फंडामेंटल राइट्स के अंदर इनको एडप किया गया था, तो ये अमेंडमेंट भी हम साथ के साथ पढ़ेंगे इसके अंदर। और दूसरी चीज़ ये है कि ये जो केसेस हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट केस ये है केशवानंद भारती केस वर्सेस स्टेट ऑफ केरला। ये जो केस है ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज इस केस की वजह से 1973 में ये केस आया था, इस केस की वजह से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक टर्म इंसर्ट की गई थी बेसिक स्ट्रक्चर। उससे पहले जो जितनी भी गवर्नमेंट्स थी वो कॉन्स्टिट्यूशन को अपने अकॉर्डिंग चला रही थी। तो कॉन्स्टिट्यूशन का जो बेसिक प्रिंसिपल जो था, जो प्रीएम्बल के अंदर एस्टैब्लिश किया हुआ है, नेचर और स्ट्रक्चर जो था कॉन्स्टिट्यूशन का, वो एक तरह से वो चैलेंज हो रहा था। तो सुप्रीम कोर्ट एक अपेक्स कोर्ट है, जो जितनी भी वॉल्यूशन होगा कॉन्स्टिट्यूशन का वो सुप्रीम कोर्ट देखेगा। सुप्रीम कोर्ट के जितने भी जजमेंट्स होते हैं वो लीगल प्रेसिडेंट्स की तरह काम करते हैं हाई कोर्ट के लिए, अदर लोअर कोर्ट्स के लिए।
तो सुप्रीम कोर्ट ने ये केशवनाथ भारती केस के अंदर बेसिक स्ट्रक्चर ये लेके आए थे, और इस बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ये बताया गया था कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं, सोशलिस्टिक प्रिंसिपल्स हैं, और बहुत सारे अदर बेसिक स्ट्रक्चर है, ये चीज़ें जो है ना, ये बेसिक स्ट्रक्चर होगा, और ये बेसिक स्ट्रक्चर को कोई भी अमेंडमेंट नहीं कर सकता है। क्योंकि अगर अमेंडमेंट इन द सेंस, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अकॉर्डिंग नहीं है, वो उसके कॉन्ट्रडिक्टरी है, तो अमेंडमेंट नहीं हो सकता। अदरवाइज बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट हो सकता है, क्योंकि विद टाइम हमें अमेंडमेंट की ज़रूरत होगी, क्योंकि फंडामेंटल राइट्स जितने भी, जैसे राइट टू एजुकेशन जो अभी ऐड किया गया था, अब बेसिक स्ट्रक्चर में अमेंडमेंट हुआ तभी तो ये राइट टू एजुकेशन एडअप हुआ था। तो अगर फंडामेंटल राइट्स इन इटसेल्फ अगर वॉलेट नहीं हो रहे हैं, तो आप अमेंडमेंट कर सकते हो। लेकिन अगर यही बेसिक स्ट्रक्चर ही अगर क्वेश्चन मार्क में आ रहे हो ना अमेंडमेंट से, तो वो अमेंडमेंट नहीं होंगे। तो हम यूनियन की बात करते हैं। यूनियन में आर्टिकल 52 से 73 है कि क्वालिफिकेशंस, इलेक्शंस, ये सब पढ़ेंगे। मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट हैं, ये बेसिकली उनके बारे में है, प्राइम मिनिस्टर, मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, इनके एग्जीक्यूटिव फंक्शन क्या है, लेजिस्लेटिव, फाइनेंशियल, जुडिशियल, डिप्लोमेटिक एंड एक्सेट्रा, ये जितने भी फंक्शंस हैं हमें सारी पढ़ने पड़ेंगे। और प्राइम मिनिस्टर का रिलेशनशिप क्या है काउंसिल मिनिस्टर, कैबिनेट मिनिस्टर के साथ में, ये भी पढ़ेंगे। और इसके अंदर बेसिक आइडिया हम ले लेंगे। आर्टिकल 74, 75 बेसिकली इनमें एक ड्यूटीज़ बताई हुई हैं और राइट्स बताए हुए हैं मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट के, और प्राइम मिनिस्टर को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को कैसे अपॉइंट किया जाएगा, और अदर जितने भी एमपीज़ उनको कैसे इलेक्ट किया जाएगा, तो ये सब चीज़ें बताई हुई हैं इनमें। और पूरे ये आर्टिकल्स हम डिटेल में स्टडी करेंगे। आगे हैं इनके ऑफकोर्स पावर्स एंड फंक्शंस हैं, काउंसिल मिनिस्टर क्या होगा, अटॉर्नी जनरल क्या है, ये भी हम स्टडी करेंगे। ही इज बेसिकली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट, और ये ही होल्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेज ऑफ द प्रेसिडेंट ओनली। ये एक तो बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशन, इसके अंदर ही अलग ही ये है, अलग ही इसका आर्टिकल, एक अलग से लेसन लेना पड़ेगा अटॉर्नी जनरल, एडवोकेट जनरल पे, ये इंपॉर्टेंट है। काफ़ी काफ़ी प्रॉब्लम्स आती है इनमें पढ़ने में, क्योंकि अटॉर्नी जनरल हो गया, फिर सॉलिसिटर जनरल हो गया, फिर एडवोकेट जनरल हो गया, तो ऐसे कन्फ्यूजन हो जाती है जिन्होंने ये इन टर्म्स के बारे में पढ़ा नहीं है। तो ये सब पढ़ेंगे। फिर पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट का बेसिक आइडिया लेंगे, आर्टिकल्स के साथ में रिलेटेड क्या क्या है, फिर रोल्स एंड फंक्शंस पार्लियामेंट देखेंगे। और हमारा जो पार्लियामेंट है ना, वो वेस्टमिंस्टर मॉडल पे बेस्ड है, तो ये फीचर्स में हम पढ़ेंगे पार्लियामेंट के बारे में, कितने सेशंस होते हैं, मोशंस कितने पास होते हैं, पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग प्रोसीजर्स क्या है, सम्मनिंग, प्रोरोगेशन, जॉइंट सिटी वगैरह, ये सब हम देखेंगे। ओके, तो पार्लियामेंट प्रोसीडिंग्स में क्वेश्चन आवर, जीरो आवर, एडजर्नमेंट मोशन, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, ये बहुत एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है पार्लियामेंट, फंडामेंटल राइट्स, पार्लियामेंट, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर्स है। फिर दो हाउसेज है हमारे, लोकसभा, राज्यसभा, स्पेशल पावर्स ऑफ राज्यसभा क्या क्या है, हमें पता है जो राज्यसभा है वो इक्विवेलेंट नहीं है लोकसभा से, तो अलग से स्पेशल पावर्स दी गई हैं राज्यसभा को, तो वो हम देखेंगे। एंटी डिफेक्शन लॉ के बारे में हम पढ़ेंगे, 10th शेड्यूल के अंदर ये दिया हुआ है, ठीक है। 52nd अमेंडमेंट से ये 52nd अमेंडमेंट से ये आया था एंटी डिफेक्शन लॉ, ये क्यों आया था ये भी स्टडी करेंगे। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस क्या क्या है, इनके डिफेक्ट्स क्या क्या हैं, इनकी वजह से क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती है, इसके ऊपर भी एक अलग से क्लास दूंगी मैं, क्योंकि ये आपके जो डेमोक्रेसी के रिगार्डिंग जो क्वेश्चंस आते हैं ना मेंस में, उसके अंदर भी आप दो तीन पॉइंट लिख सकते हैं उसके बारे में, इसीलिए एक अलग से क्लास होगी इसकी। फिर बिल्स जितने भी पास होते हैं, और बजट, फंड समरी, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इनका तो सिर्फ प्रोसीजर देख लो, एक वैसे जनरल क्वेश्चंस नहीं आता, पार्लियामेंट्री कमेटीज़ जो हैं ये एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट हैं। फिर जुडिशरी के बारे में बेसिक आइडिया, आर्टिकल्स कितने रिलेटेड है जुडिशरी के बारे में, पावर्स क्या है सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की, फिर क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट, रिमूवल प्रोसीजर। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट में ना एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ही ये होती है कि जो सुप्रीम कोर्ट है ना, इनमें हम जैसे ये काफ़ी सालों से ना एक न्यूज़ में रहता है, जैसे NJSC पास हुआ था, नेशनल जुडिशियल कमीशन पास हुआ था, अब ये फिर इस अमेंडमेंट को, नेशनल जुडिशियल अमेंडमेंट को
इनवॉलेट कर दिया था 99th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से। अब ये क्यों किया गया था ये भी स्टडी करेंगे, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग है, ये इंपॉर्टेंट है। जुडिशरी इज इंपॉर्टेंट, फिर इनकी क्वालिफिकेशन, अपॉइंटमेंट क्या है, रिमूवल प्रोसीजर क्या होता है इनका, रिसेंट कॉन्ट्रोवर्सीज, वर्डिक्स, कॉन्स्टिट्यूट प्रोविजेंसी, जितने भी होगी हम सब देखेंगे इसके अंदर। जैसे क्या होता है कि कई बार कुछ स्टेट्स ना अपनी मर्जी से ना मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट या फिर जो जो स्टेट के अंदर जो एमपीज होते हैं ना, इनको ना अलग से, जो स्पीकर है वो इनके ऊपर अलग से एक डिस्क्वालिफिकेशन लगा देते हैं वो। तो कुछ केसेस में ना ये पॉलिटिकली पॉलिटिकली बैकडअप होता है। तो ये फिर जुडिशरी कैसे इसको सॉल्व करती है, ये इम्पोर्टेंट है, ये मेंस में इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए। फिर स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट एग्जीक्यूटिव है, इनके भी गवर्नर अपॉइंटमेंट, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव फंक्शंस, 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और चीफ मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, पावर ऑफ चीफ मिनिस्टर सब देखेंगे इसका, और इनका रिलेशन काउंसिल मिनिस्टर कैबिनेट मिनिस्टर के साथ कैसे है, और स्टेट लेजिस्लेचर ऑफकोर्स वही पार्लियामेंट की जो प्रोसीजर प्रोसीडिंग जो होती है ना वही स्टेट लेजिस्लेचर की होती है, बस इनमें डिफरेंस ही होता है। हम पढ़ेंगे ये भी, एक कंपेरेटिव स्टडी कर लेंगे पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में। अब इसमें क्या होता है कि स्टेट लेजिस्लेचर में कुछ स्टेट्स होते हैं जहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होती है, कुछ स्टेट्स होते हैं किस जिनमें नहीं होती है। अब इसके लिए स्पेशल प्रोसीजर पास किया जाता है, स्पेशल अमेंडमेंट पास किया जाता है, वही स्टेट्स ही करेंगी, फिर वो पार्लियामेंट बनाता है इनको, लेजिस्लेटिव काउंसिल को। और बाकी लेजिस्लेटिव असेंबली मैंडेटरी बॉडी होती है हर एक स्टेट के अंदर, और जितने भी लॉ पास किए जाते हैं ना स्टेट्स के द्वारा, वो लेजिस्लेटिव असेंबली के पास एक्सक्लूसिव पावर है, लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास कोई पावर नहीं है इस केस में। इनके पास रिटर्न होकर जाता है बिल, कोई भी बिल होगा वो इनके पास जाएगा, लेकिन ये 4 मंथ्स तक ही रख सकते हैं उसको, बाद में इसको लॉ बनाना पड़ेगा, इनका कोई से नहीं होता। राज्यसभा का फिर भी से होता है हर एक बिल के अंदर, वो स्क्रूटनाइज करते हैं अच्छे से हर एक बिल को, और लेकिन यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल में नहीं होता। ये क्यों नहीं होता ये भी देखेंगे हम। फिर क्रिएशन अबॉलिशन, ऑफकोर्स ये रहा लेजिस्लेटिव काउंसिल हो गया, ठीक है। फिर है यूनियन टेरेटरीज का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, स्पेशल प्रोविजन दिल्ली को और जुरिडिक्शन रिगार्डिंग यूनियन टेरेटरीज। कुछ स्टेट, कुछ यूनियन टेरेटरीज होती है जहाँ पे अम्बेसडर बोला जाता है, कुछ स्टेट्स होते हैं जहाँ पे एडमिनिस्ट्रेटर बोला जाता है, ये क्यों बोला जाता है, और ये यूनियन टेरेटरीज का कंसेप्ट ही क्यों आया ये भी देखेंगे हम। फिर एडमिनिस्ट्रेशन स्पेशल एरियाज है, फिफ्थ स्केड्यूल हो गया, 6th स्केड्यूल हो गया, तो ये क्यों डाले गए थे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, क्योंकि जो ट्राइबल एरिया ना हमारा जो स्टेट है वो एक डाइवर्सिफाइड है। तो सबसे पहले हमें पता था कि जो हमने पढ़ा था हिस्ट्री में, आप लोग पढ़ोगे हिस्ट्री में जो नए बच्चे हैं उनको पता चलेगा कि कैसे ब्रिटिशर्स ने ना इन ट्राइबल लोगों को कितनी इनके साथ में कितना इनके साथ इनजस्टिस किया गया था। तो इस इनजस्टिस को एक कंपनसेट करने के लिए 5th और 6th स्केड्यूल गवर्नमेंट ने एन्यूमरेट किया गया कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ताकि इनको इनका राइट्स मिल सके। इनके लिए एक पैसा एक्ट भी पास किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, ये भी इसके साथ में कंपैरेटिव स्टडी करेंगे इसकी भी। और स्पेशल प्रोविजन जम्मू कश्मीर का ये अभी हटा दिया गया है, इसके साथ में जो अमेंडमेंट हुआ था हम वो देखेंगे जम्मू कश्मीर में, अभी जो अमेंडमेंट हुआ था उसके बाद में कश्मीर, इन जम्मू कश्मीर का क्या स्टेटस है। हमें पता है ये यूनियन टेरेटरी बन चुका है, ये यूनिटेरिटी बन चुका है, इसके बाद में तीन, इसको दो या तीन यूनिटेरिटीज में इसको डिक्लेयर कर दिया गया है। फिर डिफरेंस बिटवीन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर, हाँ हम देखेंगे अभी। इसमें क्या होता है, ये जो अमेंडमेंट हुआ था ना इसके बाद में हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, बेसिकली इसमें यही है, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है अब इसके ऊपर एप्लीकेबल होगा। पहले इनके पास अलग से कॉन्स्टिट्यूशन था, इनका अलग से झंडा था, और इनके पास में एक हमारा जो स्टेट है ना ऑल ओवर इंडिया में IPC एप्लीकेबल होता है। IPC का मतलब होता है इंडियन पिनल कोड। इसके अंदर पनिशमेंट्स दी हुई हैं, इसके अंदर 511 सेक्शंस हैं जिसके अंदर पनिशमेंट्स ही पनिशमेंट दी हुई है कि कितने कितने ऑफेंसेस होंगे, उनकी पनिशमेंट्स कैसे होगी, ये सब बताया हुआ है। तो अब ऐसा ही IPC एक्ट, ये जो IPC है ऐसा ही IPC जम्मू कश्मीर के लिए रणबीर पिनल कोड था, वो RBC था। अभी अमेंडमेंट के बाद भी ये RBC खत्म हो गया, इनके पास कोई झंडा नहीं होगा इनका खुद का। कॉन्स्टिट्यूशन के जो जितने प्रोविजंस हैं वो सब एप्लीकेबल होंगे। हम वो जितने भी अमेंडमेंट्स होंगे वो भी स्टडी करेंगे इसके अंदर, कि पहले तो क्या था, जो वुमेन जो थी जम्मू कश्मीर से अगर वो बाहर शादी करती तो उनके पास कोई प्रॉपर्टी राइट्स नहीं था, वो उनके पास वो प्रॉपर्टी राइट्स भी होगा, और बाहर के जो लोग हैं हमारे सिटीजन जो हैं वो वहाँ पे प्रॉपर्टी भी ले सकते हैं। तो ये हम सब पढ़ेंगे। फिर एमरजेंसी प्रोविजंस हैं इसमें,
आर्टिकल 352 में नेशनल इमरजेंसी बताई हुई है, फिर प्रेजेंट रूल है 356 के अंदर, फाइनेंशियल इमरजेंसी 360 के अंदर, तो ये हम कंपैरेटिव स्टडी करेंगे तीनों की। ये नेशनल इमरजेंसी भी इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट इस पर क्वेश्चन नहीं आया लेकिन आ सकता है इसके ऊपर। ये 44th अमेंडमेंट है। पहले तो क्या था एमरजेंसी पर्टिकुलर एक पहले ये था कि अगर एमरजेंसी लग गई है ना तो पूरे ऑल इंडिया में लगेगी। फिर 42nd अमेंडमेंट होता है, फिर उससे पता चलता है कि पार्ट में भी लग सकती है और ऑल इंडिया में भी लग सकती है। तो ये डिफ्रेंशिएट किया था 42nd अमेंडमेंट ने। और 44th अमेंडमेंट ने बोला था कि रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी कैबिनेट की, रिटर्न कंसेंट लेनी पड़ेगी। पहले जो पाली जो द देन गवर्नमेंट जो थी उन्होंने थोड़ा मिसयूज़ किया था इस पावर को, तो इसलिए फिर 44th अमेंडमेंट लेके आई थी नेक्स्ट द देन गवर्नमेंट। इफेक्ट्स और इम्प्लीकेशन क्या था, क्या क्या होते हैं एमरजेंसी के, ये भी हम देखेंगे। तो ये चीज़ें एमरजेंसी की जो प्रोविजंस है ना, ये जो मेंस में जो क्वेश्चन आता है डेमोक्रेसी ये गवर्नेंस के रिगार्डिंग, तो गवर्नेंस में ना हम एमरजेंसी के ये वाले पॉइंट भी लिख सकते हैं, क्योंकि क्या होता है मिसयूज़ होता है एमरजेंसी पावर्स का। फिर ये अमेंडमेंट जो हुआ था इससे अब क्या क्या इफेक्ट्स आए हैं, पहले वाले क्या इम्प्लीकेशंस थी, अभी क्या इफेक्ट्स आ रहे हैं, और अभी ये जो प्रेजेंट रूल है ये कहाँ कहाँ लगता है, क्यों लगाया जाता है। जैसे अभी जब अमेंडमेंट हुआ था जम्मू कश्मीर के अंदर, वहाँ पर प्रेजेंट रूल लगा दिया गया था, ये क्यों लगाया गया था, तो हम ये भी गवर्नेंस के अंदर पढ़ सकते हैं। तो ये मेंस में भी एक एक पॉइंट हम देख सकते हैं। तो ऐसे आपको जहाँ पे भी ऐसे मेंस के जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिलते हैं ना, तो आप उसको एक कॉपी पे लिख लो, गवर्नेंस में ये पॉइंट हम लिख सकते हैं। तो ऐसे ना आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको एक ही जगह पे वो मिल जाएंगे और आपके माइंड में ना वो इट विल बी डीपली एम्बेडेड इन योर माइंड एट सम पॉइंट। सो दैट्स वाई इट्स इम्पॉर्टेंट। सो से फंडामेंटल राइट्स, लोकसभा राज्यसभा ये देखेंगे, रेवोकिंग एमरजेंसी पावर्स, एमरजेंसी लगाने के बाद इनको रेवोक कौन कर सकता है ये भी देखेंगे। स्टेट और सेंटर इंटर स्टेट रिलेशन, अभी क्या है जो जीएसटी जो अमेंडमेंट हुआ था ना इस पर क्वेश्चन ही आया है, तो आई थिंक यूपीएससी शायद दे दे, क्योंकि यूपीएससी क्या करती है कि बहुत पुराने क्वेश्चन पूछती है वो यूपीएससी, और बहुत पुराने इन द सेंस कि वो थोड़ी सी न्यूज़ में होंगी इस बार। अगर जैसे एलिफेंट के बारे में इस बार क्वेश्चन आया था एनवायरनमेंट के अंदर, वो मैंने जितने भी नोट्स पढ़े थे ना उसके अंदर ना कहीं पे भी एलिफेंट के रिगार्डिंग मतलब कहीं नहीं बता रखा था। बहुत ऑब्वियस लग रहा था कि ये आएगा ही आएगा क्वेश्चन। अब इसके रिगार्डिंग कैसे आएगा क्वेश्चन ये नहीं पता था। अब मैंने ना बस एक डिस्कवरी देख ली थी एक दिन, मैं बस तो उस डिस्कवरी चैनल या नेशनल ज्योग्राफिक चैनल देख रही थी मैं, तो उस नेशनल ज्योग्राफिक के अंदर ये ना एलिफेंट के रिगार्डिंग ये कवर कर रहे थे कि दिस ये जो एलिफेंट जो हर्ड होती है ना इसके अंदर फीमेल जो होती है ना वो लीड करती है इनको, बस ये पॉइंट मुझे पता था, उससे वो क्वेश्चन सही हुआ। तो ऐसे में ना आप ऐसे क्वेश्चंस कर सकते हो, तो आप जहाँ पे आपको जो फैक्ट्स मिलते हैं ना आप वो फैक्ट्स देख लो। ये तो एनवायरनमेंट के रिगार्डिंग था, और बस ये चीज़ें ध्यान रखो आप, क्योंकि क्या होता है कि पिछली बार बहुत ज़्यादा न्यूज़ में कोई, जैसे इस बार कोई ज़्यादा बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही होगी वो यूपीएससी नहीं पूछेगी। एक्सट्रीम केसेस में होता है कि वो पूछ ले लेकिन नहीं पूछेगी, लेकिन पिछले साल वाला जो क्वेश्चन आए होंगे ना वो यूपीएससी पक्का पूछती है, वो पक्का पूछेगी यूपीएससी। तो ऐसे करती है वो, पुराने क्वेश्चंस को जो थोड़ी बहुत न्यूज़ में होंगे इस बार वो पूछती है। जोनल काउंसिल के बारे में पढ़ेंगे, जोनल काउंसिल स्टैट्यूटरी होती है, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इंटरस्टेट ट्रेड कॉमर्स, रीसेंट डिस्प्यूट्स बिटवीन स्टेट एंड कॉन्ट्रोवर्सी, ये भी है ना गवर्नेंस में आप कवर कर सकते हो इसको, इस टॉपिक को भी, रीसेंट डिस्प्यूट स्टेट और कॉन्ट्रोवर्सी के रिगार्डिंग। ये क्या होता है, वाटर डिस्प्यूट बहुत ज़्यादा चलता है, कावेरी वाटर डिस्प्यूट हो गया ना, नर्मदा वाला, तो ये ना ये बहुत चलते हैं, तो ये आप गवर्नेंस के रिगार्डिंग पूछ सकते हो। और ये फेडरल प्रिंसिपल्स में भी आ जाएंगे कि आप जो गवर्नमेंट अभी क्या है, एक अमेंडमेंट पास किया है फेडरल प्रिंसिपल्स में आप लिख सकते हो। एक है ना गवर्नमेंट ने अभी एक अमेंडमेंट पास किया है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट नहीं है, वो अमेंडमेंट पास किया है किसी एक्ट के अंदर, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, बिल्कुल पढ़ेंगे। तो उस अमेंडमेंट में ये बताया हुआ है कि ये जो डिस्प्यूट्स जो होते थे ना ये स्टेट्स के कंट्रोवर्सी के, ये स्टेट्स के रिगार्डिंग वाटर डिस्प्यूट्स के रिगार्डिंग, तो अब इसके अंदर ना एक सिंगल ट्राइब्यूनल बनाने की बात कर रहे हैं। अब ये सिंगल ट्राइब्यूनल बनाने की बात कर रहे हैं ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, तो ये पूछ सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और पंचायती राज म्यूनसिपैलिटी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, थ्री टीयर स्ट्रक्चर होता है। 73rd 74th अमेंडमेंट हुआ था, अब इन दोनों अमेंडमेंट से ना स्केड्यूल्स ऐड हुए थे, स्केड्यूल में वो 11-12 ऐड हुए थे वो कॉन्स्टिट्यूशन स्केड्यूल्स इन 73rd 74th अमेंडमेंट से। ये क्यों ऐडअप हुए थे ये भी देखेंगे।
फिर रिलेशन बिटवीन, हम जब मैंने बोला था कि जब फंडामेंटल राइट और डीपीएससी पढ़ेंगे तो हम इनकी कंपैरेटिव स्टडी करेंगे, क्यों ये अलग अलग हैं। फंडामेंटल राइट्स स्टेट के ऊपर एक तरह से रिस्ट्रिक्शन इम्पोज करते हैं, और डायरेक्टिव प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी स्टेट को बताते हैं कि उनको क्या क्या करना चाहिए, ठीक है। और इसमें फिर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी, अर्बन डेवलपमेंट, ये बेसिक चीज़ें हैं, ये देख लेंगे। फिर रिजर्वेशन क्या क्या हैं इनमें। अब आती है कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ की बारी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इलेक्शन कमीशन, यूपीएससी, एसपीएससी, जेपीएससी, फाइनेंस कमीशन, ये ना स्टेट्यूटरी है ये, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन इसको, ये स्टेट्यूटरी है ये बॉडी, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। नेशनल कमीशन फॉर एससी एंड एससी, फिर कॉम्पोजिशन ऑफ पावर्स, रिमूवल कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ का, इनका सब देखेंगे। नॉन कॉन्स्टिट्यूशन बॉडीज़ हैं उनके बारे में बेसिक आइडिया लेंगे, कॉम्पोजिशन, फंक्शंस क्या होते हैं। नीति आयोग के बारे में पढ़ेंगे, नीति आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है। नीति आयोग पर कोई क्वेश्चन नहीं आया है, तो होपफुली आ सकता है इसके ऊपर क्वेश्चंस। ट्राइब्यूनल्स हैं, अब ये ट्राइब्यूनल्स क्यों ऐडअप किए गए थे, 323A आर्टिकल क्यों आया था, 323B आर्टिकल क्यों आया था, इन दोनों की कंपैरेटिव स्टडी करेंगे। इसके अंदर सिर्फ रिक्रूटमेंट्स के रिगार्डिंग क्वेश्चन है, ये ब्रॉडर एस्पेक्ट में क्लियर ट्राइब्यूनल्स फंक्शन करता है, ये क्यों करता है, इन दोनों के अंदर डिफरेंस देखेंगे। इनको स्टैब्लिश कौन करता है, इनके अंदर जजेस कौन कौन से होते हैं, तो कॉम्पोजिशन के रिगार्डिंग ना पूछ लेते हैं क्वेश्चंस, क्योंकि क्या है, 2 साल 1 साल पहले ना कुछ अमेंडमेंट, 2 साल पहले कुछ अमेंडमेंट्स किए थे, जहाँ पे बहुत सारे ट्राइब्यूनल जो थे ना गवर्नमेंट ने वो कॉन्ग्रिगेट कर दिए थे, बहुत सारे अमेंडमेंट ट्राइब्यूनल्स को हटा दिया था, कुछ को कॉन्ग्रिगेट कर दिया था, मतलब इकट्ठा कर दिया था, एक ही बना दिया था, 2-3 थे उनको एक ही बना दिया था। तो ये ऐसा क्यों किया गया, तो इसलिए इनकी कॉम्पोजिशन इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। फिर इनके डिफरेंट ट्राइब्यूनल्स पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे। फिर स्पेशल प्रोविजन है फॉर एससी एसटी, बैकवर्ड क्लासेस, माइनॉरिटीज़, एंग्लो इंडियंस, ये सब पढ़ेंगे। अभी जैसे क्या होता है, रिजर्वेशन के लिए भी है पार्लियामेंट के अंदर, है ना, तो अभी अमेंडमेंट हुआ था अभी इसमें, इनकी सीट्स क्या बढ़ा दी, सीट्स मतलब एक्सटेंड कर दी फॉर अनदर टर्म, फॉर 10 ईयर्स के लिए। तो ये क्यों किया गया, क्यों ऐसा किया जाता है ना, तो ये सब चीज़ें पढ़ेंगे। ऑफकोर्स करंट अफेयर्स हम कवर करेंगे, रीसेंट इश्यूज़ क्या क्या हैं। मैंने साथ के साथ हर एक टॉपिक के साथ में जितना मुझे याद था अभी, तो वो मैंने आपको बताया करंट अफेयर्स, बाकी हम धीरे धीरे सारे कवर करेंगे। तो ये जो करंट अफेयर्स है ना, ये इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि करंट अफेयर्स में जो करंट इवेंट्स जो चल रहे हैं ना, बेसिकली उन पे नहीं पूछेगी वो, उसके बैकग्राउंड में आके क्वेश्चन पूछेगी, तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हो जाती हैं। गवर्नमेंट बिल्स, गवर्नेंस एक्शन, अब ये जो गवर्नमेंट बिल्स जितने भी है ना, ये पिछले 2 साल में जितने आए ना वो देखेंगे इसके अंदर। अभी जो रिसेंट आ रहे हैं वो तो देखेंगे देखेंगे, लेकिन पिछले 2 साल वाले कवर करेंगे, क्योंकि उनके चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ओके, और मैं रेफरेंस बुक्स वगैरह बताती हूँ आपको इसमें क्या क्या है। बेसिक चीज़ें, आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग चाहिए पॉलिटी के बारे में, तो ये हो गया 11th एनसीईआरटी हो गई, है ना, पॉलिटिकल साइंस की। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशन वर्क, कॉन्स्टिट्यूशन एटवर्क, जो मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना, वो बताया हुआ है इसके अंदर, सब सब चीज़ें बताई हुई हैं इसके अंदर। फिर 12th है पॉलिटिकल साइंस, कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड पॉलिटिक्स, बाहर क्या हो रहा था, इंडिया में क्या हो रहा था, तो ये कंपेरेटिव स्टडी की हुई है इसके अंदर 12th की पॉलिटिकल साइंस की, सिंस इंडिपेंडेंस अब तक क्या क्या चेंजेस आए हैं। फिर हाँ, लक्ष्मीकांत बुक तो बहुत अच्छी है, ये भी इसमें वैसे बेसिकली सारा कवर हो जाता है, लेकिन आप एक बार ये एनसीईआरटीज भी पढ़ना, इनसे ना एक कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो डायरेक्टली एनसीईआरटी से आ जाते हैं। तो एक बार एनसीईआरटीज क्या होती है, हर एक सब्जेक्ट्स की एनसीईआरटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, जितनी भी एनसीईआरटीज होती है उनकी 6 से लेकर 12th तक की एनसीईआरटीज है ना, एक बार रीडिंग लगा लेना, खास करके 10th, 11th और 12th की। ये जो 3 एनसीईआरटीज होती है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये 3 एनसीईआरटीज, 6th, 7th, 8th, 9th की, तो एक बेसिक आइडिया देती है आपको सब्जेक्ट के बारे में, इसलिए पढ़ने के लिए बोलते हैं। 10th, 11th, 12th आप पढ़ोगे ना, तो आप फिर बाद में कोई रेफरेंस बुक देखोगे, जैसे लक्ष्मीकांत अगर रेफरेंस बुक देखते हो, या फिर अगर आपको और ज़्यादा, अगर आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन लॉ, तो आप उसके अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके अंदर अगर आप जे एन पांडे पढ़ोगे, तो जे एन पांडे बहुत अच्छी बुक है कॉन्स्टिट्यूशन के रिगार्डिंग, इसके अंदर बहुत अच्छे से हर एक चीज़, हर एक एस्पेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर किया हुआ है इसके अंदर। तो ये 3 एनसीईआरटी से आपको एक बेसिक आइडिया लग जाएगा, फिर आप लक्ष्मीकांत पढ़ोगे ना, तो ये समझ में आ जाएगा। एक बार हो सकता है जो नए पढ़ रहे हैं उनको थोड़ी मोटी लगे, वो डर लगे, ऐसा नहीं, ऐसा मत करना, तो पहले एनसीईआरटी पढ़ लेना, फिर आपके एक बेसिक स्ट्रक्चर दिमाग में क्लियर हो जाएगा, फिर एम लक्ष्मीकांत उठाना। फिर जनरल स्टडीज़ में भी यही एम लक्ष्मीकांत ही काम आती है वैसे तो, और
कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, आप देखो ये हार्ड कॉपी का मतलब ये है कि बेयर एक्ट बोलते हैं इनको, जो जो एक कानून होता है ना, कानून की जो किताबें होती है उनको बेयर एक्ट्स बोलते हैं। अब ये बेयर एक्ट्स है ना उनके लिए काम आएगा जिनके पास ऑप्शनल है, बाकी अब ये मत पढ़ना, बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा इस बेयर एक्ट को पढ़ना। बाकी न्यूज़पेपर है द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस है, PIB, PRS, योजना कुरुक्षेत्र मैगजीन आती है। अब ये क्या होता है PIB PRS, तो क्या होता है जैसे हम कोई भी न्यूज़ चैनल यूट्यूब पे ना, वैसे भी डिजिटल इंडिया हो रहा है तो यूट्यूब पे इतनी सारी क्लासेस आती है करंट इवेंट्स के रिगार्डिंग, है ना, अनअकैडमी में इतनी सारी क्लासेस आती हैं, आप उनमें कवर कर सकते हो। PIB और PRS है ना, ये कवर हो जाते हैं। जब मैगजीन आती है ना योजना कुरुक्षेत्र, अब ये ना बड़ी मैगजीन आती है, इनको पूरा नहीं पढ़ा जा सकता, तो आप इनके कंटेंट्स को देखो, इनके कंटेंट्स को देखोगे ना तो आप एक कट शॉर्ट कर सकते हो, उनको एलिमिनेट कर सकते हो कि हाँ ये इवेंट्स चल रहे थे, आप इनको गवर्नेंस में आप ये कर सकते हो, हिस्ट्री में ये कवर कर सकते हो, सोशल इशू में ये कवर कर सकते हो टॉपिक, है ना। तो ऐसे ही डिवाइड कर लेना उनको, एक कॉपी में लिख लेना उनको और उन टॉपिक्स को एक बार वैसे डिवाइड कर लेना, तो फिर उनको उस सब्जेक्ट्स के अकॉर्डिंग पढ़ना, तो आप ऐसे पढ़ोगे ना तो ईजी पड़ जाएगा आपके लिए एक्सप्लेन करना। बाकी इनकी एक्सप्लेनेशन भी आ ही जाता है योजना का, कुरुक्षेत्र का, वो देख लेना। बाकी इनमें ना ऐसे नहीं होता कि आप इन्हीं के अंदर से क्वेश्चंस आएगा, ऐसे नहीं होता। ये क्या होता है कि क्वेश्चन ऐसा आएगा कि आप इनके अंदर जो लिखा होगा ना वो आप उन क्वेश्चंस में लिख सकोगे, इसीलिए इसीलिए बोला जाता है कि इनको पढ़ो। और PIB इंपॉर्टेंट है, PIB से प्रीलिम्स में क्वेश्चन आ जाते हैं डायरेक्टली, PIB बहुत इंपॉर्टेंट है। और इंडिया ईयर बुक है, इंडियन ई बुक का भी एक्सप्लेनेशन आ जाता है। ये योजना कुरुक्षेत्र बेसिकली जो एक्सप्लेनेशन आ जाता है ना वो देख लेना, बाकी तो टाइम वेस्ट लगेगा, अगर आप पढ़ने बैठोगे ना तो बहुत टाइम वेस्ट हो जाएगा आपका। तो बाकी अगर किसी को पढ़ना है तो पढ़ भी लेना, अच्छी बात है नॉलेज लेना। मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के बारे में, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज हैं उनके बारे में भी देखेंगे। फिर जो हमारा जो मेंस का जो सिलेबस है ना वो देख लेते हैं एक बार, क्या क्या बता रखा है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स, हिस्टोरिकल अंडरपिनिंग्स का मतलब होता है इवोल्यूशन कैसे हुआ था, ये रहा है ना, इवोल्यूशन कैसे हुआ था हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, और मेकिंग द कॉन्स्टिट्यूशन कैसे कैसे हुआ, ठीक है। और ये जो थोड़ी जो हिस्ट्री जो थी, दोज एक्ट्स विच लेड टू द फाउंडेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट सेल्फ, तो रेगुलेटिंग एक्ट हो गई सारे, तो इनके रिगार्डिंग ये फीचर्स, अमेंडमेंट, सिग्निफिकेंट प्रोविजंस, बेसिक स्ट्रक्चर वगैरह, ये फंक्शन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट हमने देखा, चैलेंजेस फेडरल स्ट्रक्चर में क्या क्या आ रहे हैं, डिवोल्यूशन ऑफ पावर्स है ना, सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट से ये एडअप हुआ था डिवोल्यूशन पावर्स, ये क्यों एडअप हुआ था ये भी देखेंगे। फाइनेंसिस, लोकल लेवल्स पे चैलेंजेस क्या है, अब ये जो पंचायत म्यूनसिपालिटी के अंदर इनको ना कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करके इनको ऐड तो कर दिया, लेकिन क्या होता है इनके पास फाइनेंशियल पावर्स नहीं है, तो ये गवर्नेंस में प्रॉब्लम आती है, ठीक है। ये सेपरेशन पावर अलग से दे दिया बिटवीन वेरियस ऑर्गन्स, डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म वगैरह, कंपैरिजन ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन स्कीम्स विद दैट ऑफ द अदर कंट्रीज, पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, इसका स्ट्रक्चर, फंक्शनिंग, कंडक्ट ऑफ बिजनेस, पावर, प्रिविलेजेस, इशूज अराइजिंग आउट ऑफ दीज। अब इन पे क्या होता है कि ये तो बेसिक आइडियाज देने के लिए पढ़ना है हमें, लेकिन इन पे ना डायरेक्ट क्वेश्चन वैसे नहीं आएगा कि पार्लियामेंट की पावर्स क्या क्या होती है, बहुत रेयर चांसेस होते हैं जब ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इनमें ना आप पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर का कंपेरेटिव स्टडी कर सकते हो आप, कि पार्लियामेंट पार्लियामेंट के अंदर प्रिविलेजेस क्या क्या हैं, पार्लियामेंट के अंदर इतना लेंथीएस्ट, इतना ये जो इतने सारे मेंबर्स हैं ये क्यों एडअप किए गए थे, और पार्लियामेंट के अंदर लोकसभा राज्यसभा में क्यों डिफरेंस क्या हुआ है, राज्यसभा की कोई एग्जिस्टेंस नहीं है क्या, फिर राज्यसभा को स्टैब्लिश क्यों किया गया है, तो ये पढ़ लोगे ना आप कंपेरेटिव स्टडी करके, तो जो क्वेश्चन आएंगे ना उसके अंदर ये दो तीन पॉइंट एडअप कर सकते हो, तो इससे ऐसे लगेगा कि आपने थोरो स्टडी की है। फिर स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन, फंक्शनिंग, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट की फॉर्मल इनफॉर्मल एसोसिएशन, रोल इन पॉलिटी, प्रेशर ग्रुप्स, है ना। तो अब ये क्या होता है, स्ट्रक्चर, ऑर्गेनाइजेशन हो गया, फंक्शन हो गया, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की, जुडिशियल फंक्शन में ना सब आ जाते हैं ये, एग्जीक्यूटिव जुडिशरी की, जो सेपरेशन ऑफ पावर हम देखेंगे ना तो सेपरेशन ऑफ पावर में ऑटोमेटिकली ये टॉपिक कवर हो जाता है, क्योंकि एग्जीक्यूटिव जुडिशरी और जो लेजिस्लेटिव है ये तीन है, इनमें सेपरेशन पावर दी गई है, हमारे स्ट्रिक्ट सेपरेशन पावर नहीं है, थोड़ी क्वासी है, ये भी देखेंगे। इंडिपेंडेंट जुडिशरी बेसिक स्ट्रक्चर है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो ये चीज़ें देखेंगे हम। फिर मैंने आपको सोर्सेज बताई दिया किए थे, फिर
फिर अभी इसमें है साइलेंट फीचर्स ऑफ द रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट. अभी जो रिप्रेजेंटेशन पीपल एक्ट जो अभी जो जो न्यूज़ में चलता रहता है ना, बस वो देखना है, वो देखेंगे बस. इसमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. अपॉइंटमेंट टू वेरियस काउंसिल पावर पोस्ट पावर्स फंक्शंस वेरियस काउंसिल बॉडीज वगैरह जितनी भी हैं, और स्टेट्यूटरी रेगुलेटरी वेरियस क्वासी जुडिशियल बॉडीज जो हैं, गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन डेवलपमेंट वेरियस सेक्टर्स ऑफ अदर डिजाइन एंड इम्प्लीमेंटेशंस. ये जो चीज़ें हैं ना, गवर्नमेंट पॉलिसीज और इंटरवेंशन, ये करंट इवेंट्स में कवर हो जाएंगे. गवर्नमेंट पॉलिसीज मतलब एक छोटे जो छोटे छोटे वर्ग होते हैं, इनके लिए कितनी सारी स्कीम्स लेके आए हैं, अभी स्कीम्स का इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव क्लास जो है ये इम्प्लीमेंट कर रही है नहीं कर रही है, और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के पास में जो फंड आता है, जो एमपी लेड फंड जिसको बोलते हैं, एमपी लेड फंड के बारे में भी हम देखेंगे. एमपी लेड फंड में क्या होता है, इनके पास 5 करोड़ का फंड आता है एमपीज के पास में, गवर्नमेंट देती है हर साल इनको, देती है अपने अपने एरियाज में ये डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ के लिए. अब ये लैप्सिबल फंड है नहीं, और ये इसका चेक कैसे करेंगे, तो बहुत सारी स्कीम्स आ गई हैं. जैसे अभी क्या है, एक अभी जो हमारी जो करंट गवर्नमेंट जो है ना, इन्होंने एक एप्लीकेशन लॉन्च की है. उस एप्लीकेशन के द्वारा क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर डायरेक्टली जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स जो होते हैं ना, इनके साथ में कम्युनिकेट कर सकते हैं, उनके साथ में उनके अकाउंटेबल बना सकते हैं उन लोगों को, और ये पूछ के कि आपके एरिया में कितनी डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ हो रही हैं, कितने सोशल जस्टिस के केसेस हो रहे हैं. अभी जो सोशल जस्टिस के केसेस हैं ना, इनमें नेशनल कमीशन्स काम आती हैं. अब नेशनल कमीशन अलग से अपनी रिपोर्ट बनाती है, और डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर अलग से बताएगा, फिर वो दोनों का कंपैरेटिव देखता है, तो अगर कुछ गड़बड़ भी हो रही है तो भी पता चल जाता है. तो अब क्या, पीएमओ बहुत एक्टिव हो गया है इस चीज़ में, तो गवर्नेंस अच्छी हो रही है धीरे धीरे. फिर वेलफेयर स्कीम्स जो हैं वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, सेंटर स्टेट परफॉर्मेंस ऑफ दीज स्कीम्स मैकेनिज्म्स लॉ इंस्टीट्यूशन, में मैंने बताया जितनी भी स्कीम्स जो गवर्नमेंट लेकर आ रही है, जितनी पॉलिसीज लेकर आ रही है, इनमें कितना इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है, ये लोगों तक पहुंच रही है नहीं पहुंच रही है. जैसे पीएम फसल योजना जो थी, अब इसका क्रिटिसिज्म कर सकते हैं आराम से, पीएम फसल योजना जो है ना, अभी ये तो इतनी इफेक्टिव नहीं थी जितनी बताई जा रही थी. और मैनुअल स्केवेंजिंग का जो एक्ट आया था, अभी अमेंडमेंट हुआ, इससे पहले एक स्कीम थी राष्ट्रीय गरिमा योजना, राष्ट्रीय गरिमा अभियान करके एक स्कीम थी, राष्ट्रीय गरिमा अभियान. तो अब राष्ट्रीय गरिमा अभियान कितनी कितनी कारगर रही है अब तक, और इससे पहले एक और स्कीम थी इनके रिगार्डिंग थी, एक और थी. तो ये जो जितनी भी स्कीम्स है ना, और जितने भी एक्ट आ रहे हैं, ये कितने इम्प्लीमेंट हो रहे हैं, और कितनी सारी बॉडीज हैं जो कि एक्टिवली काम कर रही है इसके अंदर, और कितने हैं जो करप्शन केसेस में फंस रहे हैं. तो इनका एक एक तरह से एक अलग से क्लास लेके इनके बारे में हम देख लेंगे, और एक दो दो तीन पेजेस में ना इनके बारे में कवर हो जाएगा सब कुछ. दो तीन पेजों में ना इनके बारे में सब कवर हो जाएगा, और हर एक टॉपिक में उन इन सारी जो मेन टॉपिक जो होते हैं ना स्कीम्स के रिगार्डिंग इम्प्लीमेंटेशन, ये चीज़ें ना आप सोसाइटी के टॉपिक में भी लिख सकते हो, आप गवर्नेंस में भी लिख सकते हो आप, और जो फेडरल स्ट्रक्चर जो है, और कॉपरेटिव स्ट्रक्चर जो है, ये क्यों फेल हो रहा है, नीति आयोग का इस्टेब्लिशमेंट क्यों क्यों करवाया गया, तो इन सब में ना एक एक टॉपिक में, ये जो टॉपिक जो दो तीन पेजों में कवर होंगे ना, ये एक एक दो दो ना लाइनें आप इनमें भी लिख सकते हो, तो ऐसे कवर हो जाते हैं ये टॉपिक्स में. इसलिए मैंने बताया था आपको कि जो मैगजीन्स में जितने भी आर्टिकल्स आते हैं ना, तो आप उनको सब्जेक्ट वाइज उनको एक तरह से अलग कर लो और फिर उनको पढ़ो, तो ये सब समझ में आ जाएगा आपको, ठीक है. और इश्यूज रिलेटिंग टू डेवलपमेंट मैनेजमेंट सोशल सेक्टर सर्विसेज रिलेटिंग टू हेल्थ एजुकेशन एंड ह्यूमन रिसोर्सेज पॉवर्टी और हंगर हो गया, सोशल इश्यूज में कवर हो जाते हैं ये. पॉवर्टी हंगर एक ऐसा टॉपिक है जो हम एसे में भी लिख सकते हैं, और वुमेन के एस्पेक्ट्स में भी लिख सकते हैं, और बहुत सारे अदर एस्पेक्ट हैं जिनके अंदर हम इन पॉइंट्स को ना लिख सकते हैं. तो एक तरह से ना हर एक टॉपिक इसलिए दिया गया है ताकि हमारी जो अंडरस्टैंडिंग है ना इस पेपर के रिगार्डिंग, वो एक ब्रॉड तरीके से बन जाए. ये टॉपिक है ना, सारे इंटर रिलेटेड होते हैं, सारे इंटर रिलेटेड होते हैं. अब यहाँ पे लिखा हुआ है, पहले हमने पढ़ा था कि गवर्नमेंट पॉलिसीज इंटरवेंशन डेवलपमेंट वेरियस सेक्टर्स कैसे हो रहा है, फिर हमने देखा था कि वेलफेयर स्कीम्स जो थी वल्नरेबल सेक्शंस के लिए, पॉपुलेशन के लिए, सेंटर स्टेट क्या कर रही है, इनका इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है नहीं हो रहा है, और हमने अपने देखा इशूज रिलेटिंग पॉवर्टी और हंगर, तो पॉवर्टी और हंगर के रिगार्डिंग इशूज़ क्या कहेंगे, वेलफेयर स्कीम्स
और ये जो वल्नरेबल सेक्शन जो है इनको क्या क्या दिक्कतें फेस करनी पड़ रही है, फिर स्कीम्स के बारे में हम देख सकते हैं। तो ऐसे हम कंपेरेटिव स्टडी कर सकते, तो वेलफेयर स्कीम्स भी हो जाएंगी और फिर पॉवर्टी और हंगर वाला इशू भी हो जाएगा। और जो इश्यूज है रिलेटेड टू डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट सोशल सेक्टर सर्विसेज, अभी देखा था ये जो पॉलिसीज और इंटरवेंशन जो हो रहा है डेवलपमेंट कैसे हो रहा है, तो अब इनमें इश्यूज क्या क्या आ रहा है, हेल्थ एजुकेशन और वेरियस ह्यूमन रिसोर्सेज, तो ये वेरियस अदर सेक्टर्स भी हो गए और इनके अंदर इश्यूज क्या आ रहे हैं, इनका हम वे फॉरवर्ड क्या कर सकते हैं, तो ये भी इंटर रिलेटेड हो गया। तो ऐसे इंटर रिलेटेड होते हैं ये रोल ऑफ सिविल सर्विसेज डेमोक्रेसी, ये हो जाएगा कवर। हमारा जो आप लोग बनोगे तो इनका क्या रोल हो सकता है, और जो हम सिटीजन्स हैं हमारा क्या रोल हो सकता है इसके अंदर। फिर ये इंटरनेशनल रिलेशन के हैं टॉपिक, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स है गवर्नेंस के, ट्रांसपेरेंसी, अकाउंटेबिलिटी, गवर्नेंस एप्लीकेशंस। ये ई गवर्नेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अभी मैंने बताया था कि अभी जो करंट गवर्नमेंट है इन्होंने एक, मुझे अभी उसका याद नहीं आ रहा नाम, PFMS ऐसे करके कुछ है वो एप्लीकेशन, जिससे ना वो डायरेक्टली कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो ये ई गवर्नेंस इसलिए इम्पोर्टेंट है, इसलिए ई गवर्नेंस का रोल आ जाता है। अभी अभी गवर्नमेंट डिजिटल इंडिया का एस्पेक्ट लेके चल रही है, तो ई गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है, इंपॉर्टेंट, सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो ये भी मेंस में क्वेश्चन बन सकता है इसके ऊपर, ठीक है। फिर ये तो इंटरनेशनल रिलेशन के क्वेश्चन हैं, इंडिया नेबरहुड रिलेशंस, बायलेटरल रीजनल ग्लोबल ग्रुपिंग एग्रीमेंट, इफेक्ट्स ऑफ पॉलिसीज, पॉलिटिक्स, डेवलपिंग कंट्रीज इंटरेस्ट, इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल रिलेशन। ये तो अनुमिता मैम है, वो आपको कवर करवा देंगे सारे इंटरनेशनल रिलेशन के। सो थैंक यू, दिस वॉज इट फॉर टुडे। और हम आगे नेक्स्ट सेशन में देखेंगे क्या क्या हम टॉपिक शुरुआत से लेके एंड तक बेसिक चीज़ें हम कवर करेंगे। साथ में मैं मेंस के क्वेश्चंस और क्विज़ जितने भी प्रीलिम्स के अंदर जितने भी क्वेश्चंस आ सकते हैं वो सारे आपको कवर करा दूंगी, और आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी। हम बेसिक चीज़ें, हम देखो क्या होता है, घर बनता है तो घर के लिए नींव इस्टेब्लिश करनी पड़ती है, तो उससे घर का स्ट्रक्चर बन सकता है। इसीलिए हर एक सब्जेक्ट में ना बेसिक चीज़ें पढ़ना ज़रूरी होता है, इसलिए मैंने बेसिक चीज़ें बोला, शुरुआत से बेसिक चीज़ें बोला, बेसिक चीज़ें पढ़ना इसलिए इंपॉर्टेंट होता है। सो थैंक यू, दिस इज़ इट फॉर टुडे, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। हेलो गाइस, मैंने अभी कमेंट देखे, तो इन कमेंट्स में क्या है, हाँ ये आपको जैसे सुटेबल होगा वैसे ही क्लासेस होंगी, इंग्लिश में भी हो सकती है, हिंदी में भी हो सकती है, मिक्स भी हो सकती है। मोस्टली मैं हिंदी में पढ़ाऊंगी ताकि बहुत सारे बच्चे कवर कर सकें इन सब चीज़ों को। और हाँ रेगुलर क्लासेस होंगी, और कुछ डाउट होगा तो आप कमेंट्स में लिख दो, मैं सब क्लियर कर दूंगी। आज पहला दिन था तो इसीलिए फिर मैंने सोचा सिलेबस एक्सप्लेन कर देती हूँ पहले, इसीलिए ठीक है गाइज, ओके थैंक यू।
जो